बेटी भी की ये आज आई है, कल नहीं आ सकती थी क्योंकि उसके पैर में शीशे घुसे हुए थे। और जब लड़के उन्हें लेके भागे तो लड़कों को रोका गया और फिर उन्हें मारा गया। ये हम लोगों का क्या ये देश नहीं है? ये आज़ादी में क्या मुस्लिमों ने क्या लड़ाई नहीं लड़ी है, उसके लिए अपनी जान की आहुति नहीं दी है? या ये मेरे देश है तो हमको प्यारा नहीं है? आज आई है, कल नहीं आ सकती थी क्योंकि उसके पैर में शीशे घुसे हुए थे। और जब लड़के उन्हें लेके भागे तो लड़कों को रोका गया और फिर उन्हें मारा गया। और ये जो लाठी चार्ज किया है बच्चों पे, बिल्कुल गलत बात है। आँख से आंसू निकल गया जो लड़कियों को देख के चिल्लाते करते। हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, रात में आप अंधेरे में घुस जाते हैं, आप उन पर जोर दिखाते हैं। बहुत सारी बच्चियां बोल रही हैं हम लोगों को सर पे रख करके बंदूक का वो, और मुसलमान हो ऐसे हो उठा पटक। कितनी लड़कियों का पैर टूटा हुआ है, कितनी बच्चियों को के हाथ में बैंडेज लगा हुआ, ये क्या है? लेकिन हम रात तक हम लोग परेशान रहे, यहाँ से सब चारों तरफ से बंद कर दिया और इतनी ब्रूटली इनको पीटा है। तो बच्चे थे वो टेररिस्ट नहीं थे, इस तरह से हाथ निकाल के निकाला है। हम लोगों का क्या ये देश नहीं है? ये आज़ादी में क्या मुस्लिमों ने क्या लड़ाई नहीं लड़ी है, उसके लिए अपनी जान की आहुति नहीं दी है? या ये मेरे देश है तो हमको प्यारा नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग सब बहुत मिलकर रहते हैं। इंडिया के इंडिया ही बने रहना चाहेंगे, बाहर क्यों जाए? I thought that she needs to have the courage of conviction to stand up for what she believed in, and I supported her and I said, I only said be safe. Some reporter called me and told me that she's been detained. So me and my husband came to get her out and see what's happening and to support her. Yeah, and her friends, support her and her friends, because I think a lot of parents didn't know.